ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोगों ने कर लिया, जितना करना था सफिशियंट है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, एक स्फेयर का पार्ट होता है। होता क्या है, स्फेरिकल मिरर का मतलब है मिरर दैट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। मिरर दैट इज ए पार्ट पार्ट ऑफ ए स्फेयर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक स्फेयर है, मान लो ये एक स्फेयर है, या मान लो ये एक स्फेयर है, ये मान लो स्फेयर से, इस स्फेयर का एक टुकड़ा ले लो, इस स्फेयर का एक टुकड़ा ले लो यहां से लेके यहां तक का, एक इस स्फेयर का क्या करो कि यहां से लेके यहां तक का एक टुकड़ा ले लो, यानी यहां से लेके यहां तक का एक पीस ले लो। ठीक, ये ग्लास स्फेयर है, इसका यहां से तक पीस ले लो, इसका यहां से पॉलिशिंग कर दो ताकि इसका जो अंदर वाला पार्ट है डिप्रेस्ड पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ये इसका डिप्रेस्ड पार्ट, इसका रिफ्लेक्टिंग होता है उसी तरह से। और यहां एक टुकड़ा ले लो, यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा ले लो, एक स्फेयर का एक टुकड़ा ले लो इस तरह से, और इसके इस तरफ पॉलिशिंग कर दो, सिल्वरिंग कर दो। हेलो हेलो, हाँ क्यों, IIT दो ना, सिंपल, स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल टी, सबने तो ज्वाइन कर लिया है, सबने फिर से ट्राई करके देखो। मेरा लॉगिन दिया हुआ है 99, मतलब 6612 वाला, ये फिर से ट्राई करो, नहीं लगेगा तो फिर बाद में देखेंगे क्लास के बाद। ठीक है, देखो ये है, तो हम अगर इसके डिप्रेस पार्ट का पॉलिशिंग कर दें, इसका एलिवेटेड पार्ट जो है बाहर का पार्ट जो है बल्ज पार्ट वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। एग्रीड, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जो इस स्फेयर का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्रीड, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर, ऑफ विच सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। जिस स्फेयर का पार्ट ये मिरर है उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा होता है पी, पी को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ये जो डिप्रेस पार्ट है इसका जो मोस्ट डिप्रेस पार्ट है, यानी कह सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इसका पॉइंट पी है, जिसकी अबाउट ये और ये सिमेट्रिकल होता है, जिसके अबाउट ये और ये सिमेट्रिकल, या ये कह सकते हो इसका जो सबसे डिप्रेस पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पोल। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, पोल। इसके सबसे डिप्रेस पार्ट को क्या बोलेंगे, पोल। हम पी को कह सकते हैं पोल, और पोल को तुम कह सकते हो दिस इज सिमेट्रिक सेंटर, सिमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर, जो इसका सबसे ज्योमेट्रिक सेंटर टाइप का यहां पर होता है, सेंटर मास नहीं, इस सरफेस का सेंटर। तीसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है जी, ये होता है द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इस लाइन को बोलते हैं, इस इनफाइनाइट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू। यह होता है लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू
center of curvature and pole. The line passing through center of curvature and pole, that is called principal axis. चौथा टर्म जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्या होता है? CP या PC. PC को हम बोलते हैं डिस्टेंस, P से लेकर C तक को हम बोलते हैं, P से लेकर C तक को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड R एंड दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये क्या होता है? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. यानी मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, एक ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फिफ्थ टर्म होता है अपर्चर. इसको बोलते हैं अपर्चर, या इसको हम कह सकते हैं अपर्चर डायमीटर, अपर्चर या फिर अपर्चर डायमीटर. समझना, ये डिस्टेंस जो तुमने ये सर्किल कट किया, जो सर्किल को तुमने कट किया उसका यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शन है. ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से तुमने इसको कट किया, इसका ये क्रॉस सेक्शन है. ये जो डायमीटर होगा कहां से कहां तक? एक्स से लेकर वाई तक. एक्स इस पॉइंट एक्स से लेकर इस पॉइंट वाई तक, या इस पॉइंट एक्स से लेकर के इस पॉइंट वाई तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर डायमीटर. एपर्चर डायमीटर होता है दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसको हम लिख रहे हैं एक्स वाई, जिसको हम लिख रहे हैं एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर डायमीटर. इसको बोलते हैं एपर्चर डायमीटर. ठीक है, तो अगर आप, मैं आपको सैंपल दिखाऊं तो ये जो है ये एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. देखो ये पार्ट अंदर की तरफ है, ये गड्ढा है, ये थोड़ा सा क्या है? गड्ढा है. और ये क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ है. तो ये जो गड्ढा वाला पार्ट है इसको पॉलिश किया गया. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स कौन सा होता है? ये होता है. देखो कॉन्वेक्स ये होता है. यहां ये गड्ढा है, यहां ये थोड़ा डिप्रेस्ड है और ये थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज कर रहा है. तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, यू कैन सी. तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉनकेव का मतलब होता है. समझ गए होगे? कोई किसी कोई डाउट है यहां तक में? ये वही चीज है जो आप टेंथ में भी पढ़े हुए थे. ये वही चीज जो आप टेंथ में पढ़े हुए थे. कोई बुक खोलोगे उसमें तुमको मिल जाएगा इसके लिए. कोई उसको लिख लो जो लिखना चाहो. एक स्फेयर है और हम इस स्फेयर को मान लो यहां से कट कर दे, यहां से इसको वर्टिकल लाइन में इसको कट कर दे ऐसे करके. कैसे? अगर हम इस स्फेयर को मान लो हम ऐसे करके कट कर दे, ऐसे करके, ये एक सर्किल इसमें से कट होके ये ढक्कन निकल जाएगा. इसका जो इस सर्किल का जो डायमीटर होगा उसको बोलते हैं एपर्चर डायमीटर. ठीक है, लिख लो. चलो सो हम लोग फोकस को डिफाइन करेंगे. हम कह रहे हैं ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और यहां एक इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सच दैट अगर हम इस पॉइंट क्यू पे जहां ये रे गिर रहा है उसको अगर सी से ज्वाइन करें तो ये एंगल बन रहा है थीटा. रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां मिलेगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहां मिलेगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस को. जहां रिफ्लेक्शन के बाद जहां ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा फोकस. यही ना, सही है? इट करेक्ट? यही है ना करेक्ट डिफिनेशन? ये कहां मिलेगा बताओ? व्हाट इज डिस्टेंस पीएफ?
ये पर पीसी बाय टू यानी आर बाय टू होना चाहिए। हाँ सर बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता जरा देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा है, देवी थीटा होगा जी, होगा ना। ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा देवी थीटा होगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, स्फेयर या सर्किल, स्फेयर या सर्किल के किसी भी पॉइंट को जब तुम सेंटर से ज्वाइन करते हो तो उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होता है। अगर तुम पॉइंट क्यू पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तुम चाहो तो पॉइंट क्यू पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो स्फेयर पे, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल। तो नॉर्मल जब भी तुम क्यू पे ड्रॉ करोगे किससे पास करेगा, सेंटर से। यानी इस पॉइंट पर, पॉइंट क्यू पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल है पॉइंट क्यू पर, नॉर्मल एट क्यू, पॉइंट क्यू पे जो नॉर्मल है वो क्या है, इट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट क्यू टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसके साथ ये थीटा बना रहा है नॉर्मल के साथ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना, क्योंकि नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे बना रहा है उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। इस पॉइंट पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, और ये पैरेलल है, ये तो थीटा हो ही गया। अब बताओ क्या हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी क्यू एफ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों ये भी थीटा ये भी थीटा, क्या ट्रायंगल सी एफ क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो अगर हम यहां से ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर, तो क्या हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस बाय टू होगा, क्योंकि सी से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ये और ये साइड इक्वल है, यहां ड्रॉप कर रेडियस का मिड पॉइंट होगा, तो अगर यहां से ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर ये आर बाय टू होगा। अगर ये आर बाय टू और ये थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, आर बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सही है। ये डिस्टेंस है आर बाय टू, यह थीटा दिया जाएगा आर बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका नाम मैं अभी आई दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम अभी मैं आई दे रहा हूं, आई पॉइंट, इमेज पॉइंट, जहां ये मिल रहा है उसका नाम मैं आई दे रहा हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू पी सी माइनस सी आई, पी सी में से सी आई घटा दो तो आ जाएगा पी आई, सही है। सो पी आई इज इक्वल टू आर माइनस, पी सी कितना है जी, रेडियस, आर माइनस आर बाय टू कॉस थीटा, एग्रीड। पी से सी तक रेडियस है और हम सी से आई तक निकाल चुके हैं, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस था आर, ये था आर बाय टू और ये था आर बाय टू बाय कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस है ये इस ट्रायंगल में, ये क्या है एच है, हाइपोटेन्यूस आर बाय टू बाय कॉस थीटा। अब जरा देखो अगर डिफरेंट हाइट पे लाइट गिरेगी तो थीटा उसके लिए डिफरेंट होगा, और हर रे डिफरेंट पॉइंट पे मिलेगा, थीटा को जब वेरी करोगे तो ये भी वेरी करेगा, करेगा। व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, पहली बात, इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो एकदम छोटा हो, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, वो रेज जो एकदम थीटा बहुत कम बना रहे, क्या बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, उस केस में कॉस थीटा टेंड्स टू कितना हो जाएगा, वन, और उस केस में पी आई क्या हो जाएगा, टेंड्स टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर बाय टू, आर बाय टू, एंड दैट आई इज कॉल्ड फोकस, दिस आई इज कॉल्ड फोकस। फोकस सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है, फोकस का डिफिनीशन ही सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए है, माइनर रे के लिए
मार्जिनल रे के लिए फोकस डिफाइंड ही नहीं होता है। किसी भी सिस्टम का फोकस सिर्फ करेक्शन रे के लिए डिफाइंड होता है। ये जब थीटा टेंड्स टू जीरो तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। व्हेन थीटा इज वेरी लार्ज दिस पॉइंट इज नॉट कॉल्ड फोकस, उसको फोकस बोलते ही नहीं है, उसको सिर्फ पॉइंट बोलते हैं, इमेज पॉइंट बस। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज पीआई बताओ? अगर थीटा 60 डिग्री होता तो पीआई कितना होता? डालो यहां 60 डिग्री, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका कभी कोई रे इस तरह से गिरेगा, किस तरह से, इतनी हाइट पे गिरे, इतने हाइट पे गिरे, अगर आपका कभी कोई रे इतने हाइट पे गिरे कि ये हाइट पे गिरने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा हो, आप पाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद ये इसको यहां हिट करेगा। कहां हिट करेगा? पोल पे। ये लाइट जो होगा ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां तक ज्वाइन की और वो 60 डिग्री बना रहा है, ये भी 60 बनाएगा, ये सीधे रेखा पे करेगा हिट, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा ना, ये भी कितना होगा? 60। ये सीधे कहां जाके हिट करेगा? पोल पे करेगा ना। क्योंकि ये मार्जिनल रे है, क्योंकि ये मार्जिनल रे है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। जब भी थीटा लार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। जब भी थीटा स्मॉल उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ये बता रहे हो क्या क्या होता है, ठीक? तो ये यहां जाके हिट कर देगा। इनफैक्ट अगर 60 से ज्यादा हुआ थीटा तो ये यहीं कहीं जाके हिट कर देगा, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 60 पे है, अगर ये मान लो 60 पे है, ये यहां से गिरा और ये एंगल 60 था, ये इसको कहां हिट करेगा? यहां करेगा, हिट करेगा ना। उसके बाद क्या ये सेकेंड हिट यहां करेगा और फिर पैरेलल बन जाएगा? अगर यहां ये 60 पे गिरा, यहां ये 60 पे यहां इसको हिट किया, तो फिर ये 60 पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा ना। और फिर ये यहां पर 60 बनाएगा, 60 पे करेगा, तो फिर अपने एंटी पैरेलल निकल जाएगा ना। यानी कि अगर थीटा वैल्यू 60 हो, अगर थीटा वैल्यू 60 हो तो कितना रिफ्लेक्शन करेगा? अगर थीटा 60 होगी तो ये लाइट कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा? 3 बार करेगा ना, 3 बार, यहां यहां और यहां, फिर अपने एंटी पैरेलल निकल जाएगा। अगर थीटा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बात करेंगे, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, 60 से ज्यादा हुआ ये 4 से ज्यादा बार करेगा रिफ्लेक्ट, और ये 60 से कम हुआ ये 2 बार करेगा। देखते हैं, हम बाद में उसकी बात करेंगे। चलो इसको बोलते हैं, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ट्रैप हो, क्योंकि आपका फॉर्मूला जो पढ़ेंगे 1/v + 1/u = 1/f बहुत सारे केसेस में आंसर गलत देगा। देखते हैं कैसे। तो पहली बात मैं यहां पे मैं डिफाइन कर दूं, फोकस इज डिफाइंड, फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। मैं डिफाइन करूंगा पैरेक्सियल रे क्या होता है। पहली बात, फोकस का डिफिनेशन सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एफ, फोकस इज कॉल्ड एफ, एंड पीएफ इज इक्वल टू, एंड पीएफ इज कॉल्ड, पीएफ इज कॉल्ड एफ एंड दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पीएफ को, डिस्टेंस पीएफ को क्या बोलते हैं? एफ, एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होता है? That is radius of curvature by 2, ठीक है? तो ये सिर्फ उसके लिए डिफाइंड होता है, ठीक है? अब फिर से देखते हैं और क्या क्या होता है। तो याद रखना, यहां थीटा देने के 2 मेथड हैं, और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन पैरेक्सियल केस में, फॉर्मूला मत लगाना,
हम देखेंगे जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें हम पेरेक्सल अप्रोक्सीमेशन में डिराइव करेंगे। अगर पेरेक्सल अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है तो फॉर्मूला गलत आंसर देगा। रे डायग्राम कभी गलत नहीं देता है, रे डायग्राम कभी गलत नहीं देता है, फॉर्मूला गलत दे सकता है। तो जरा समझो यहां पे ये जो थीटा टू को हम दिए हैं, ये थीटा देने का एक और तरीका था मेरे पास। क्या तरीका था? हम तुमको इस पैरेलल बीम का हाइट दे दें और तुमको हम ये दे दें कि ये जो पैरेलल बीम है ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितने हाइट पे है और हम दे दें, तो क्या तुम थीटा निकाल सकते हो? देखो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस। सी क्यू क्या है? रेडियस। एग्रीड? सी से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। तुमको हम अगर इस पैरेलल बीम का, इस पैरेलल रे का हाइट दे दें प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या तुम लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट एच डिवाइडेड बाय रेडियस, लिख सकते हो? यानी मैं तुमसे अगर कहना चाहता हूं कि ये थीटा 30 डिग्री है, मैंने क्वेश्चन में दिया थीटा 30 डिग्री है, वो भी सही है, एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ मैंने एच की वैल्यू दे दी आर बाय टू, ये आर बाय टू हाइट पे आ रहा है, अगर मैं इसको आर बाय टू हाइट पे ले लू तो आर बाय टू बाय आर कितना हो गया? साइन थीटा इस ट्राइंगल से क्या हो जाएगा? एच बाय आर, दिस इज एच एंड दिस सी क्यू इज आर, एच बाय आर। तो क्या लिख देंगे? आर बाय टू बाय आर, साइन थीटा वन बाय टू, तो थीटा कितना हो गया? 30 ना। तो तुमको दोनों तरह से पूछा जा सकता है। अगर तुम्हारा वाइड पैरेलल बीम है, अगर तुम्हारा वाइड पैरेलल बीम है, ए वाइड पैरेलल बीम और तुम्हारे पास पेरेक्सल रे भी है और मार्जिनल रे भी है, यानी बहुत वाइड है, तुम्हारा पैरेलल बीम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब है, तुम्हारा एक वाइड पैरेलल बीम अगर गिरेगा तो सब एक जगह नहीं मिलेगा, सब एक जगह नहीं मिलेगा। ए वाइड पैरेलल बीम डू नॉट कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, समझ रहे हो? दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्रोमेटिक। क्यों मोनोक्रोमेटिक? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर का भी बीम अगर है, मत समझो इसको कलर से कोई लेना देना नहीं। दो तरह के डिफेक्ट मिलते हैं ऑप्टिक्स में, एक जिसका कारण होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है, वो रिफ्रैक्शन में मिलता है। रिफ्रैक्शन में देखेंगे कि डिफरेंट कलर ग्रीन येलो वायलेट सब के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, उसके कारण जो एरर मिलता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिक। क्रोमेटिक मतलब क्या हुआ? कलर के कारण। ये है मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर में भी मिलेगा, इसको कलर से मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है? रिफ्लेक्शन से। मोनोक्रोमेटिक। और दूसरा इसका नाम होता है स्फेरिकल एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल एबरेशन। हम इसको पढ़ाएंगे बाद में क्या होता है, बट ये समझ लो अगर तुम्हारे पास वाइड पैरेलल बीम है, अगर तुम्हारे पास वाइड पैरेलल बीम है इस तरह से, ठीक, और ये तुम्हारा वाइड पैरेलल बीम है, सबसे दूर ये जाके मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। उसके नजदीक ये जाके मिलेगा आई वन पे, और उसके भी नजदीक ये जाके मिलेगा कहां पे? आई टू पे। जितना तुम्हारा थीटा, जितना तुम ऊपर जाते जाओगे वो रे पोल के उतना नजदीक गिरता जाएगा। यानी अगर ये पॉइंट सोर्स से निकला था, अगर ये पैरेलल बीम है तो पूरा का पूरा पैरेलल बीम एक जगह कन्वर्ज नहीं कर रहा है, जो बीम एक्सिस के पास है वो यहां मिल रहा है, और जैसे जैसे दूर जाओगे ये इस तरफ मूव करेगा। एग्रीड? यस सर। इसको लिखो, मतलब ये पूछ दो कभी कि मान लो कि ये स्फेरिकल मिरर है
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके कितने हाइट पे एक पैरेलल बीम को गिराएं, इसके कितने हाइट पे पैरेलल बीम को गिराएं ताकि ये जो है यहां से 30 सेंटीमीटर पे मिल जाए, ये यहां से 30 सेंटीमीटर पे मिल जाए। एट व्हाट हाइट अबव दिस, इसके कितने हाइट पे हमें पैरेलल बीम को, पैरेलल रे को गिराएं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पोल से 30 सेंटीमीटर पे इमेज बना दे, मिल जाए। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे पी आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 30। आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 80। माइनस 80 बाई 2 कॉस थीटा, एग्रीड, सही है ना। सही है, ये उससे हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 40 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज व्हाट, नहीं एक मिनट, 50 है ना, 50 इज इक्वल टू 40 कॉस थीटा। हाँ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि है, तो सही कॉस थीटा, अच्छा सॉरी अभी ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 40 बाय कॉस थीटा, सही है ना। ये और ये कट गया 40 से, सही है ना। कॉस थीटा इज 4/5, थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया ना, एग्रीड। अब समझो ये अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको यहां से अगर ज्वाइन कर दे, ये नॉर्मल है, ये कितना बनना चाहिए, 37 डिग्री ना, ये रेडियस है यार। तो क्या लिख दे, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय आर, सही है। तो क्या लिख दे, 3/5 इज इक्वल टू एच बाय आर, क्या दिया हुआ था, 80 ना, आर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, सही है ना। तो एच कितना आ जाएगा बताओ, 48 सेंटीमीटर हो गया, एग्रीड। हमने इस फॉर्मूले में इसको डाल के थीटा निकाल लिया, हमने इस फॉर्मूले में इसको डाल के कौन सी थीटा पे बनना चाहिए, एंगल ऑफ जो ये लाइट जिस पॉइंट पे ये पैरेलल लाइट फॉल करेगा उस पॉइंट पे और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दें, वहां कितना थीटा बनना चाहिए, निकल गया। और जब थीटा निकल गया तो हमको यहां से क्या निकल जाएगा, हाइट बाय रेडियस। इस ट्राइंगल में क्या होगा, हाइट बाय रेडियस कितना हो जाएगा, साइन थीटा, रेडियस पता है हमारा, हाइट भी निकल जाएगा, एग्रीड। सही है, यस सर। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर डिस्टेंस ऑफ कन्वर्जेंस पी आई, पी से आई तक का डिस्टेंस वर्सेस थीटा का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कैसा आएगा, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो कैसा आएगा, देखो यह है पी आई, पी आई क्या है, पोल से कितने डिस्टेंस पे लाइट कन्वर्ज किया है, और एंगल ये कितना है, थीटा। किसी का माइक चालू रह गया, हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूं, किसी को बोलना होगा तो खुद को अनम्यूट करके बोल देना, और कल से 10 मिनट पहले से लॉगिन करना स्टार्ट कर देना ताकि क्लास में को और टाइम मिल पाए। तो देखो जब थीटा जीरो है, हम थीटा जीरो से लेके कहां तक ले जा रहे हैं, जीरो से लेके 90 डिग्री तक ले जा रहे हैं, हम थीटा को जीरो से लेके 90 डिग्री तक लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जब थीटा जीरो है तो पी आई कितनी है,
जब थीटा जीरो है तो पी आई कितनी है, आर बाय टू, सही है ना? जब थीटा जीरो है तो इसकी वैल्यू आर बाय टू, जब थीटा 90 डिग्री होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पी आई की, जब थीटा 90 डिग्री होगी तो पी आई की वैल्यू क्या होगी, डालो यहां, व्हाट इज कॉस 90, व्हाट इज कॉस 90, जीरो, समथिंग बाय जीरो, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस आर, ये पूरा हो गया, हो जाएगा माइनस इंफिनिटी प्लस आर, सो दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो हम कह रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, पी आई इज इक्वल टू आर बाय टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और टेंड्स टू 90 डिग्री, पी आई टेंड्स टू, व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, पी आई टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, सो इट शुड गो लाइक दिस, किधर जाएगा, नीचे, कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, एग्रीड? ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, सो बताओ किस एंगल पे ये जीरो हो रहा है, 60 डिग्री, एग्रीड? ठीक, तो तुमसे हाइट देके पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो तुम कर सकते हो, पहले इसको लिख लो, अगर लिखना है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग कुछ और बात करेंगे इस पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के केस में मार्जिनल या पैरेक्सियल सारा रे फोकस से पास करता है, अगर एक पैराबोलॉइड है सरफेस, उसमें तुम किसी भी हाइट पे लाइट गिराओ, उस सब का सब लाइट फोकस से ही पास करेगा, चाहे हाइट नजदीक हो चाहे लाइट दूर हो, सब का सब फोकस से पास करता है, यानी इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पैराबोला का एक प्रॉपर्टी होता है कि तुम किसी भी पॉइंट पे, पैराबोला का कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को क्या करो, फोकस से ज्वाइन कर दो और उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां जो तुम नॉर्मल बनाओगे वो हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन एंगल एफ क्यू एंड लाइन पैरेलल, F से Q और Q से लाइन पैरेलल, ये जो एंगल है इस पॉइंट का नॉर्म हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। इसको हम दूसरे तरह से ये समझ सकते हैं कि लाइट अगर यहां से गिरा और ये नॉर्मल यहां पे I या थीटा बना रहा था, अगर ये थीटा बना रहा था नॉर्मल के साथ, जब ये उसी एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा हमेशा। इसीलिए जो हमारा डिश एंटेना होता है वो पैराबोलॉइड शेप का होता है और उसमें जो रिसीवर रखा होता है, जो हमारा डिश एंटेना होता है, जो हमारा सिग्नल कैच करता है, वो लगभग इनफाइनाइट से आ रहा है, सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है, इसका जो है रिसीवर इसके फोकस पे होता है। इस डिश एंटेना का रिसीवर जो होता है वो कहां होता है, इस डिश एंटेना का रिसीवर ये किस शेप का होता है, पैराबोलॉइड, और ये जो सिग्नल आ रहा है इनफाइनाइट से, ये रिफ्लेक्शन के बाद सब का सब सिग्नल कहां मिलता है, फोकस पे मिलता है, तो यहां पे इसका रिसीवर रखा होता है ताकि हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल पाए। ये स्फेरिकल शेप का नहीं होता है, पैराबोलॉइड शेप का होता है, पहली बात। इसका उल्टा, अगर हमारे पास कार है, जो हमारा कार का जो लाइट होता है हेडलाइट, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम स्फेरिकल को एक कप ले लें, उसमें अगर हम एक उसके अगर हम फोकस पे या कहीं अगर हम एक बल्ब डाल देंगे ना, तो ये लाइट सब पैरेलल नहीं हो पाएगा, उल्टा इसका क्या होगा समझो, अगर हमारे पास ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, एक हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, आईना है, पैराबोलॉइड के फॉर्म में है, उसके फोकस पे अगर हम बल्ब रख दें, तो इस सारे बल्ब का लाइट कहीं भी गिरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल निकलेगा, यानी कि हम यहां पर डिस एंटेना जो होता है या जो कार का हेडलाइट जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार का जो होता है लाइट हेडलाइट, वो पैराबोलॉइड शेप का होता है और उसमें हम फोकस पे बल्ब रखते हैं, तो जब बल्ब से लाइट निकलता है तो कैसा भी लाइट निकले किसी भी डायरेक्शन में, सब का सब लाइट क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, तो वो बहुत दूर तक जाता है,
तो वो बहुत दूर तक और बहुत इंटेंस लाइट जाता है, ठीक है, पहली बात। इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। हम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल अलग से किसी दिन क्लास लेंगे कुछ बच्चों के लिए, उसमें जिसको ज्वाइन करना है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब समझे इस बात को कि ये तो तुम्हारा हो गया कि तुम इसको नहीं चाहते हो। पैरेक्सियम रे का डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पैरेक्सियम रे? या उसको कह सकते हो पैरेक्सियल रेज आर दोज रेज विच सेटिस्फाई टू कंडीशंस। दो कंडीशन सेटिस्फाई करने का तभी पैरा वो ये कहलाएगा पैरेक्सियल रे। पहला, थीटा टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा होना चाहिए एंगल थीटा, बहुत स्मॉल होना चाहिए एंगल थीटा। क्या है जी? एंगल मेड बाय दैट रे विद प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल मेड विद प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी वेरी स्मॉल। सेकेंड क्या होता है? इट शुड फॉल वेरी नियर टू पोल, PQ should tend to zero. P क्या है? पोल। तो यानी कि पोल टू या इट फॉल्स नियर टू पोल। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखो, क्या ये लाइट पैरेक्सल है? क्या ये लाइट पैरेक्सल है? पहली बात तो थीटा तो यहां जीरो है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा तो यहां जीरो है, ये तो ठीक है। बट अगर PQ, ये P है और ये Q है, और PQ बहुत लार्ज है तो पैरेक्सल नहीं कहलाएगा। दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए। एक भी कंडीशन वायलेट होगा तो पैरेक्सल नहीं होगा। अगर PQ लार्ज है, यहां देखो इस केस में थीटा तो जीरो है, फर्स्ट कंडीशन तो वैलिड है। सेकंड, अगर PQ ये हाइट बहुत कम है तो पैरेक्सल, और ये हाइट बहुत ज्यादा है तो मार्जिनल। दूसरा, तो यहां पे देखो ये हो सकता है पैरेक्सल भी हो सकता है मार्जिनल भी हो, हम ये नहीं कह सकते। दूसरा, मान लो इस टाइप से गिरा पोल पे बट गिरा है 30 डिग्री पे, तो ये देखो PQ टेंड्स टू जीरो है। क्यों? क्योंकि P और Q सेम पॉइंट है। जिस पॉइंट पे ये फॉल किया है Q पॉइंट पे, उसका P से डिस्टेंस क्या है? जीरो है। लेकिन थीटा टेंडिंग टू जीरो नहीं है, ये भी क्या होगा? ये मार्जिनल रे कहलाएगा, समझ लो। और यहां पर अगर PQ लार्ज है तो ये भी क्या कहलाएगा? मार्जिनल रे कहलाएगा। दो कंडीशन साथ साथ होना चाहिए। अगर थीटा कम है, ये कम नहीं है, या ये कम है ये कम नहीं है, तो मार्जिनल रे होगा। जब दोनों एक साथ होगा तभी उसको बोलेंगे पैरेक्सियल रे। समझ रहे हो? लिखो, हम देखेंगे बाद में जब उसको डिराइव करेंगे। PQ लेंथ को हम क्या मानते हैं? स्ट्रेट लाइन मानते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इतना छोटा होता है PQ कि उसको तुम एक बहुत बड़े रेडियस का एक छोटा टुकड़ा लोगे ना, किसी बहुत बड़े सर्दी का छोटा सा टुकड़ा, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा तुमको, देखेंगे इसको। वैसे तो थीटा का कोई लिमिट नहीं है कि किस थीटा को हम बोलेंगे टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जितना ज्यादा थीटा, जितना छोटा होगा जीरो के पास, एरर उतना कम होता है। 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री। 1 डिग्री में पैरेक्सल अप्रोक्सीमेशन ज्यादा बेटर है, एरर कम है। 2 डिग्री में एरर थोड़ा ज्यादा है, अभी भी ठीक है। 3 डिग्री में सिर्फ थोड़ा ज्यादा है। 4 डिग्री तक ठीक है, टॉलरेबल है। 4 डिग्री के ऊपर हम मान लेते हैं कि अब एरर ज्यादा हो गया,
तो थीटा वैल्यू 4 डिग्री या उससे कम हो तो हम उसको पैरेक्सल रे मान लेते हैं, ठीक है। एसयूरा सर ने कितनी मेहनत करके पेंसिल से ये डायग्राम बनाया है, दिख रहा है ना? ये कंप्यूटर से बना हुआ डायग्राम नहीं, ये पेंसिल से बनाया हुआ है। टेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन्होंने जितने रेस बनाए सब में जितना एंगल पे गिर रहा था उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन लेके बनाया। देखो कस्प बन रहा है, ठीक है, ये स्फीयर में होता है, पैराबोला में नहीं होता, ये स्फीयर में होता है। ये तुमको ऐसा एक शेप दिख रहा है उसको कस्प बोलते हैं, इसको बोलते हैं एबरेशन। शर्मा की बुक में है ये इसी बुक में है, दुनिया में किसी बुक में नहीं है। पैरेक्सल और मार्जिनल, और वी स्टडी ऑप्टिक्स अंडर पैरेक्सल अप्रोक्सीमेशन। वो तुम समय के साथ समझ जाओगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हम पैरेक्सल अप्रोक्सीमेशन में ही इसको करते हैं डील, ठीक है। किसी कुछ पूछना है क्या? उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों वो सब फोकस से ही पास करता है। पैराबोला का डिफिनेशन होता है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसका रेशियो 1 होता है। लेकिन वी हैव ए क्वेश्चन, ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस कितनी है, जिस स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये डिस्टेंस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहां से एक रे जा रहा है 30 डिग्री, ये कहां मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये कहां मिलेगा? फाइंड द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे वुड मीट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि सर आपने तो फॉर्मूला बताया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? अभी तक तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, तुमने टेंथ में पढ़ा था, वेट, तुमने टेंथ में पढ़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू योर टेंथ फॉर्मूला, अगर तुम टेंथ का फॉर्मूला लगाते हो जो तुमको हम बताएंगे, फिर तुम लिखोगे 1/v + 1/u = 1/f, सही है? 1/v + u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो u की वैल्यू कितनी है, -2r, इसके लेफ्ट में है ना ऑब्जेक्ट, इसके लेफ्ट में कितने डिस्टेंस लेफ्ट है, आर डिस्टेंस लेफ्ट है, तो लेफ्ट वार को नेगेटिव मानते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा इसका, फोकल लेंथ क्या होगा इसका बताओ, -r/2, सही है, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये कॉनकेव है, अगर तुमको याद है, नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि तुम्हारा आंसर इसे गलत आया। ये होता है 1/v + 1/u = 1/f, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होता है, -r/2, यहां से आएगा 1/v = 1/2r - 2/r, सो 1/v = 2r हो गया LCM 1 - 4, सो v कितना हो जाएगा -2r/3, हो गया ना, एग्रीड, सही है। ये है फॉर्मूला मेथड, ये है फॉर्मूला मेथड जिसके अकॉर्डिंग इमेज की वैल्यू आ रही है इसके सामने कितने डिस्टेंस पे, 2r/3 पे,
इमेज वैल्यू इसके सामने, माइनस का मतलब क्या है इसके सामने, प्लस का मतलब क्या है इसके पीछे, माइनस टू आर। अब मैं इसको बना रहा हूं रे डायग्राम से, देखना इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन कर दूं तो क्या ये नॉर्मल होगा? नॉर्मल क्या होता है, किसी पॉइंट पे नॉर्थ पे जब तुमको बनाना हो नॉर्मल परपेंडिकुलर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। ये रेडियस आर, ये डिस्टेंस भी आर, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? Yes, तो क्या ये 30 या 30 होगा, क्योंकि ये और ये लेंथ इक्वल है, सही है? OCQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये डिस्टेंस R मैंने दी हुई है और ये तो रेडियस R है ही, C to Q, R I ये और R, तो आइसोसेलेस ये 30 थी ये 30, सही है? इसे कोई डाउट है? तो ये 30 ये 30 ये कितना हो जाएगा, ये 30 ये 30 ये कितना हो जाएगा 60। ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा कितने पे, 30 पे, और ये 60 ये 30 तो ये क्या हो जाएगा 90। ये 60 ये 30 ये हो जाएगा 90, तो ये यहां पे आकर आके इसको ऐसे हिट करेगा 90 डिग्री पे। अब तुमसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज सी आर, व्हाट इज सी आर या सी आई, सॉरी सी आई, इमेज यहां बन रहा है, व्हाट इज सी आई, सी आई कितना होगा बताओ, आर कॉस 60 डिग्री होगा, यानी आर बाई टू, यानी पी आई कितना हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना हो जाएगा, आर माइनस आर बाई टू, यानी आर बाई टू। आ क्या रहा था, टू आर बाई थ्री, यहां कितना आ रहा है आर बाई टू, कौन सही है ये या ये, कौन सही है ये या ये, ये सही है ये गलत है, क्यों गलत है, 30 डिग्री के इंस्टेंस में ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर 30 डिग्री, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, फॉर्मूला नॉट वैलिड फॉर 30 डिग्री, बट दिस इज वैलिड फॉर एनी डिग्री, दिस इज वैलिड फॉर एनी डिग्री, एग्रीड? जब भी रे डायग्राम और फॉर्मूला में कंट्राडिक्शन आएगा, रे डायग्राम हमेशा अपर एज लेगा, दैट इज द रियल ऑप्टिक्स, फॉर्मूला लगाना ऑप्टिक्स नहीं है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ लिख के प्लस माइनस कर देने से ट्रैप में फंसने का चांस रहता है, और वो भी वहीं से आता है, रे डायग्राम से ही आता है। तो समझ लीजिए हमने यहां सिंपल राइट गिराया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, यहां गिराया, एंगल निकाला, यहां देखा 90 डिग्री पे गिरा, ये आर था, ये आर बाई टू, ये हो गया आर बाई टू, यहां पर आ रहा है इमेज आर बाई टू सामने बन रहा है, मतलब लाइट मिल रहा है, और यहां पे आ रहा है इमेज 2R/3 सामने बन रहा है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है? लिखो इसको, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले अप्लाई भी करेंगे और फॉर्मूले से आंसर ही बनाएंगे, बट हम कभी भी इस बात को समझेंगे कि फंडामेंटल लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फंडामेंटल लॉ है जिस पे ये पूरा चीज वर्क कर रहा है, उसी से हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें वेरियस फॉर्मूले होते हैं, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज नॉट द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर।
But angle of incidence is equal to angle of reflection. In any reflection is a fundamental property of nature. तो fundamental property हर जगह काम आएगा. Formula के बहुत सारे limitations होते हैं.